हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार मनरेगा मजदूरों का शोषण कर रही है और तय वेतन की बजाय उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में अब मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन जल्द ही प्रदेश भर में BDO कार्यालय का भी घेराव करेगा और मजदूरों के विरोध में जो नीतियां बनाई जा रही है उसका भी विरोध प्रदेश भर में किया जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन शनिवार को समाप्त हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने किया और सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने भी सम्मेलन में अपने विचार रखे। वहीं मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मनरेगा मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है और उन मनरेगा मजदूरों को जो हिमाचल सरकार की निर्धारित दिहाड़ी है 350 रुपये वो ना देके 212 रुपये दे रही है और कुल मिलाकर 138 रुपये कम, एक दिन का कम वेतन उनको मिल रहा है। इस मांग को लेकर और ख़ासतौर पर जो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है जिसे हिमाचल सरकार ने बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है, उसमें से भी आम तौर पे देखा गया कि 40-50 दिन का ही रोजगार जो है मजदूरों को मिल रहा है। तो इन मांगों को लेकर हमने अभी तय किया है कि अगस्त महीने में जो विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन सभी खंड मुख्यालयों में जो मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन है वो BDO कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन करेगी और ये मांग करेगी कि मनरेगा मजदूरों को अन्य मजदूरों के बराबर जो दिहाड़ी है 350 रुपये और 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा दूसरा जो निर्माण मजदूरों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड बना है जिसके तहत मनरेगा मजदूरों को विभिन्न तरह के लाभ दिए जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति है, विवाह शादी के लिए सहायता राशि है, बीमारी के इलाज के लिए है, प्रसूता होने पे है, तो वो जो लाभ राशि है पिछले 2-2.5 सालों से लंबित पड़ी है और कुछ सामग्री मिलती थी जैसे महिलाओं को वॉशिंग मशीन मिलती थी, सोलर लैंप मिलता था, इंडक्शन हीटर मिलता था। तो खास तौर पे जो वर्तमान BJP की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ये सारे जो लाभ हैं जो इन काइंड मिलते थे, सामग्री के रूप में मिलते थे, इनको बंद कर दिया है। तो ये भी हमारी मांग है कि सरकार और जो बोर्ड है ये जो सामग्री मजदूरों को पहले मिलती थी इसको जारी करे। इसके अलावा जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, पनबिजली परियोजनाएं हैं इसके, और जो 4 लेन है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग है या BRO के अंदर जो निर्माण मजदूर काम कर रहे हैं इनको जो न्यूनतम वेतन जो है वो हिमाचल की प्रदेश की सरकार और उनको जो ओवर टाइम और दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका भी एक तरह से उल्लंघना कर रही है। और चौथी बात है मुख्य तौर पर कि जो श्रम कानूनों को बदला जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, जो 44 श्रम कानून थे जो मजदूरों की हकों की रक्षा के लिए बने थे उनको ये सरकार बदल रही है और 4 श्रम संहिताओं में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है जिसमें विशेष तौर पे बड़े पूंजीपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा। उनका जो हमारी मांग है कि उन कानूनों को बदला जाए जैसा आंदोलन किसानों ने किया था, जो किसान विरोधी काले कानून थे उनको वापस करने में, तो उसी दिशा में जो देश के मजदूर हैं, हिमाचल के मजदूर हैं, वो इन काले जो श्रम कानून हैं जो मजदूर विरोधी हैं इनको वापस करने के लिए आने वाले समय में जो संघर्ष है वो करेंगे और सरकार को